किसान भाइयों, आज आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताएंगे जो आप जान के चौंक जाएंगे और इससे आप करोड़ों कमा सकते हैं। और ये खेती करके अभी नया ट्रेंड चला है और इसका खेती बहुत अच्छा किया। ये क्रीम में उपयोग किया जाता है और खाने में उपयोग किया जाता है और 7 स्टार 5 स्टार में इसका बिकेगा। उससे कम वाले होटल में तो ये लेता ही नहीं है, ये लोग खाते भी हैं। एक प्रकार का ये प्रजाति है घोंघा का। घोंघा का ऐसे 3-4 प्रजाति पाया जाता है, लेकिन एक प्रजाति तो भारत में भी खाया जाता है। लेकिन आज जो घोंघा के बारे में बताएंगे वो दूसरा है, SNL का। ये फार्मिंग आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे ही फार्मिंग के बारे में मैं बताता रहता हूँ। घोंघा की खेती को हेली सी कल्चर कहा जाता है। जैसे खेती की जाती है और सब चीज़ों का, वैसे ही घोंघा की खेती की जाती है। घोंघा कलम के आधुनिक निर्माण 3 किस्में स्रोत से लगाए जाते हैं। 3 प्रणाली है, गहन प्रणाली, अर्धगहन प्रणाली, व्यापक प्रणाली। आप घोंघा की खेती व्यवसाय योजना के लिए गहन प्रणाली से आप लगा सकते हैं। पर्यावरण का नकल करते हैं और किसानों के बीच नियमित लाभ पैदा करते हैं। इसी उद्देश्य से इसका खेती लोग करते हैं। भूमि के बड़े हिस्से में खेती की जाती है। गहन प्रणाली विभिन्न प्रकार के घोंघे आवास शामिल है। इसमें आपको ग्रीन हाउस, प्लास्टिक सुरंग और सीमित जलवायु गिरावट की विशेषता होती है। और व्यापक प्रणाली में आप किसान छोटे पैमाने पर घोंघे की खेती करते हैं और घोंघे का आवास एक पैटर्न के अनुसार रहता है, छोटा छोटा रहता है और घरेलू सामग्री इसमें उपयोग करते हैं। और इसमें अगर घोंघे की खेती के लिए उपकरण की बात करें तो फ्लैट ट्रे चाहिए और एक प्लास्टिक सामग्री चाहिए। रोजाना खाना परोसा जाए जिस पे जाके, और इसके लिए आपको पीने के पानी के लिए एक छलकने वाला पानी के समायोजित चाहिए, बिना छलक जिसमें से थोड़ा भी पानी इधर उधर ना गिरे। और इसमें रोजाना आपको झाड़ू लगाना होगा, जो साफ सफाई बहुत अच्छा रहना चाहिए। और इसमें स्प्रेयर कीट प्रबंधन हैंड स्प्रेयर चाहते हैं कि मिट्टी मतलब प्रबंधन की बात करें जो कौन से खेत में आपको करनी चाहिए। घोंघे का प्रमुख आवास मिट्टी की होनी चाहिए। कुछ ऐसे घटक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित रहने में आवश्यक होते हैं। हालांकि सभी मिट्टी घोंघे का पालन उपयुक्त नहीं है, इसके लिए ज़्यादातर कैल्शियम वाले मिट्टी चाहिए। इसमें घोंघे अपने अंडे मिट्टी में रखता है, मिट्टी के पानी पीता है। घोंघे खेती के उपयुक्त मिट्टी तो आवश्यक होना चाहिए और यह संतुलित होना चाहिए कि जल भराव नहीं होना चाहिए, बहुत सूखा नहीं होना चाहिए और अम्लीय नहीं होना चाहिए। घोंघे की खेती के लिए वांछित मिट्टी होनी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, अम्लीय से बचना चाहिए। इसका इस सब जल धारण की क्षमता वाली होती है, कम जल धारण इसमें होता है। पानी या नमी, किसी भी पशुपालन के लिए पानी बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारक है और पानी पाचन के विकास की सहायता करते हैं। घोंघे को कैद में सफलतापूर्वक बनाए रखने के लिए पूरे साल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए पानी का एक स्थिर स्रोत आवश्यक होता है। घोंघे को कलम को नम रखने के खिलाने के लिए आपको एक स्प्रेयर की आवश्यकता होती है, जो कि आपको तापमान इसमें कंट्रोल करके रखें, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्मी होना चाहिए। घोंघे के लिए 10 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए, इससे घोंघे सबसे अच्छे तापमान पे घोंघा ज़्यादा होते हैं। ये घोंघा ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, इसलिए तापमान में आर्द्रता के परिवर्तन प्रति संवेदनशील होते हैं। और इसके एक बात करें तो घोंघे के प्रजनन प्रजाति के चयन, आपको घोंघे का वजन आमतौर से कम 100 से 120 ग्राम होना चाहिए और प्रजनन स्टॉक किया जाता है। घोंघा पालन गीले मौसम के शुरुआत में शुरू होना चाहिए और घोंघे के प्रजनन का मौसम जंगली घोंघे एकत्र कर सकते हैं। उन्हें पीक सीजन पे शिकारियों या घोंघे बीनने वाले से सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं। ऑफ सीजन में कैद कर रख सकते हैं। रात के समय बादल धुंधली सुबह एकत्र किया जा सकता है। सलाह दी जाती है कि सुझाव दिया जाता है कि किसान ज्ञात प्रजनकों के कृषि संस्थानों से पैतृक स्टॉक खरीद सकते हैं। और इसके माता पिता घोंघे के शिकार घोंघे बीनने के घोंघे की तुलना अधिक महंगे हो जाते हैं, ये बेहतर है। सुरक्षित रखने के लिए प्रदर्शन रिकॉर्ड का इतिहास आपको जानना जरूरी है। माता पिता का स्टॉक खरीद सकते हैं और इसे प्रजनन स्टॉक के आमतौर पर गीले मौसम के दौरान चुना जाता है। किसान विभिन्न विशेषज्ञ प्रजनन स्टॉक ले लेना चाहिए। अब जहां भी उर्वरता की बात करें तो
अपेक्षित अंडे को संख्या ये मौसम में रखी जाने के संख्या के आधार पर होता है और इसके हैचेबिलिटी की कुछ संख्या संभावित अंडे के प्रतिशतता से होती है। खोले की ताकत हैचिंग हैच की मोटाई होनी चाहिए और रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण होता है जो कौन घोंघा कितने दिनों का है और इस